नमस्कार। जो बागे आप देख रहे हैं यह पशु क्रूरता की हद को पार करने वाली घटना है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत केवटी जलप्रपात के आधे ऊंचाई में मैं इस समय हूं और आप नीचे देख सकते हैं लगभग 500 फीट से भी ज़्यादा गहरी खाई हैं। अभी हम नीचे नहीं उतर पाए हैं। हम आपको बता दें कि हम इस रास्ते से होते हुए आए। यह पूरा केवटी जलप्रपात का एरिया है जहाँ से पानी नीचे नीचे ऐसे आता है और हम इस रास्ते से अंदर अंदर दुलाहरा केवटी मार्ग से होते हुए आए और हमने देखा इस प्रपात के पास में छोटा सा जो झरना है, इस झरने से होते हुए जहाँ से पानी गिरता है, हम इस रास्ते से होते हुए आए और हमें मवेशी मिले, गोवंश मिले, गाय मिली, जिनमें से कुछ अभी जीवित हैं जिसको हमने आपको दिखाया है, और अभी कुछ मृत जो हमें दिखे वहाँ हम काफ़ी मुश्किल रास्ते से यहाँ से होते हुए उतरे हुए हैं। यहाँ पर पानी अभी भी गिर रहा है, आप देख सकते हैं, और वही मृत मवेशी हम आपको दिखा रहे हैं। एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख लें ध्यान से, ये दो यहाँ पे अभी जीवित खड़े हुए हैं, और साथ में ये हम आपको तीन मवेशी, तीन गायें, संभवतः गायें हैं, ये तीन यहाँ पे मवेशी आपको दिखेंगे, एक दो और तीन, ये मर चुके हैं। इनको जबरन, इनकी इच्छा के विरुद्ध असामाजिक तत्वों द्वारा, आपराधिक तत्वों द्वारा यहाँ पर धकेल दिया गया है, और धकेलने के बाद में चूँकि ये इस रास्ते से वापस ऊपर नहीं जा सके, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है जिसमें आदमी का भी उतरना काफ़ी मुश्किल है, तो मवेशियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और इस रास्ते में ये फंस करके भूख प्यास से और यहाँ पर फिसल करके ये मर चुके हैं। इनके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं था सिर्फ अंतिम जीवन की अपनी लीला समाप्त करने के अतिरिक्त। और आप देख सकते हैं ये मृतक मवेशी यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये जो बाकिया जो मैं दिखा रहा हूँ, जो भी गोवंश प्रेमी हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, ये उनकी आत्मा को दहला देने वाला है। क्या हमारा यह वही भारत देश है? क्या हमारा यह वही हिंदू बाहुल्य समाज है जिसमें आज गौवंशों की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है? कटने के लिए तो जा ही रहे हैं, ट्रैफिकिंग तो हो ही रही इनकी, साथ में रोएं खड़ा कर देने वाली ये जो पशु क्रूरता है, जहाँ की इनको नहरों में धकेल दिया जाता है, घाटियों में धकेल दिया जाता है, जलप्रपातों के बीच में धकेल दिया जाता है, और फिर इनको वापस आने का कोई तरीका नहीं बचता। क्या आज यह वही मानव है? क्या आज यह वही भारतीय सभ्यता का, जिसमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, गाय को गौ माता बोला जाता है, बैल को नंदी की उपमा दी गई है, भगवान शिव, हिंदुओं के आराध्य देव भगवान शिव की जो सवारी नंदी है जिसकी पूजा की जाती है, आज क्या यह वही भारतीय समाज है? इन गायों की, इन गौवंशों की आत्मा आज चीख चीख कर पुकार रही है, पूछ रही है इसी भारतीय मानव से, इसी हिंदू समाज से, कि जवाब दो कि क्या तुम 16 संस्कारों में हमारे गोबर और मूत्र का, पंचगव्य का प्रयोग नहीं करते? क्या तुम मानव वही हो जो आज अपनी माता के साथ आज ये कर रहे हो? इस सवाल का जवाब इनकी आत्माएं पूछ रही हैं। क्या है इन सवालों का जवाब? और इसके अतिरिक्त भी हम आपको बता दें कि यह तो हुई धर्म की बातें, या तो हुई नैतिकता की बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि भारतीय संविधान में गोवंशों के लिए, पशुओं के लिए जो अधिकार प्राप्त हैं, क्या उसकी सुरक्षा यह भारतीय संविधान और इसके जो ठेकेदार हैं, जो हमारी भारत सरकार है, मध्यप्रदेश सरकार है, क्या इनकी सुरक्षा कर रही है? क्या शासन प्रशासन इनके अधिकारों की सुरक्षा कर पा रहा है? यह वही वन विभाग है। जी हाँ, वन विभाग है। वन विभाग के अंदर की घटनाएँ हैं जिसमें वन विभाग पूरी तरह से नाकाम, निकम्मा, अक्षम और अप्रतिस्पर्धी साबित हुआ है। यूं कहें दूसरे शब्दों में कि वन विभाग की ही सह से ऐसे अपराध, वन अपराध घटित हो रहे हैं। आज हमने इसमें PIL जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगाया हुआ है हाई कोर्ट जबलपुर में, यही जानने के लिए, यही पूछने के लिए शासन प्रशासन से माननीय न्यायालय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया हुआ है कि आखिर मध्य प्रदेश शासन और ये सरकार ने, शासन प्रशासन ने इन पशुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं, क्या है इनका अधिकार, क्यों इनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, क्यों इनके साथ इतनी क्रूरता बढ़ रही है। इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हमने यह जनहित याचिका लगाई हुई, और साथ में यह भी है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा गोवंशों के लिए गोवन्य विहार केंद्र या गौशालाएँ खोली जाएँ, जिससे इनके, इनकी सुरक्षा भी हो सके, और साथ में जैविक खेती और तथाकथित यहाँ के जो किसान हैं जो ऐसे अपराध कर रहे हैं, यद्यपि वो किसान नहीं है, किसान के रूप में उन्होंने जो एक चोला ओढ़ करके रखा हुआ है, क्योंकि किसान आज इतना निर्दयी नहीं हो सकता, वो अपनी फसल तो नष्ट होने देख सकता है, लेकिन इतनी बड़ी निर्दयता भारतीय किसान नहीं कर सकता, यदि वो हिंदू किसान है तो।
कि इन पशुओं को इतना निर्दयता से धकेल दे और मार दे। तो हम यही कहना चाहेंगे कोई ऐसे लोग जो किसानों का चोला ओढ़े हुए हैं और जो ऐसे अपराध कारित कर रहे हैं, आखिर उनकी भी सरकार सुने कि आज ऐसी दुर्दशा उन्होंने पशुओं के साथ क्यों की हुई है। यदि उनकी फसल की नुकसानी हो रही है तो सरकार, प्रशासन, शासन ध्यान दे, माननीय उच्च न्यायालय इसमें ध्यान दें, लेकिन पशुओं के साथ ये कुरता बर्दाश्त नहीं होगी। इसी चीज़ को हम दिखाते हुए, इसी वाकया को दिखाते हुए आपको हृदय विदारक वाकया हम आपको बता दें, बहुत ही दुखद है। और हम आपको उस जगह पर भी एक ले चलते हैं जहाँ पर एक और तीन के अतिरिक्त चौथा भी मृत मवेशी यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए क्या लगता है आपको इसको देख करके, क्या लगता है क्या था इसका दोष आखिर? क्योंकि ये पशु पैदा हो गया, इसका सबसे बड़ा दोष यही है। आखिर पशु होना क्या कोई बहुत बड़ा दोष है? आप देखिए दो पशु वहाँ भी हैं इस तरह से, दो गोवंश, वो भी अपने जीवन की गुहार लगा रहे हैं। यद्यपि हम ये बात मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के समक्ष हम रखेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है इस पर भी कार्यवाही करने वाला तो यह शासन प्रशासन ही है, जो आज इन पशुओं से ज़्यादा मूक साबित हो चुका है और जिसके आँख नहीं है, कान नहीं है, जो सुन नहीं सकता है, वह शासन प्रशासन है। देखो हम उसके समक्ष भी यह बात रखेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम क्यों बीच में फंस गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये कांटे से भरा हुआ रास्ता है और हम यहाँ पे घुसे हुए हैं और यद्यपि हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये कांटे हमें पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिए हैं। तो हम कपड़े भी बचाते हुए, ये देखिए देखिए क्या लगता है आपको, क्या दोष था इनका बेचारों का? आखिर इनका क्या दोष है? क्या इनकी ज़िंदगी बच पाएगी? बिल्कुल नहीं बच पाएगी, क्योंकि यदि एक दो दिन में इनको यहाँ से नहीं निकाला जाता तो इनकी भी स्थिति ऐसी होगी जिस तरह से हमने आपको तीन वहाँ पे दिखाया, चार पांच और ऊपर दिखाए और एक यहाँ पे दिखाया, तो इसी तरह से सब मर जाएंगे और इनके इनकी ना कोई सुरक्षा हो पाएगी ना कोई इनकी व्यवस्था हो पाएगी। यहाँ पे आखिर क्या व्यवस्था होगी? इन सभी बाकियों को दिखाते हुए, हृदय विदारक वाकया को मैं दिखाते हुए, शिवानंद द्विवेदी एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं एनिमल राइट एक्टिविस्ट, आपको केवटी जलप्रपात की गहरी घाटियों से वापस ले चलता हूँ। रीवा मध्य प्रदेश का वाकया है। धन्यवाद।